हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जानते हैं किसको कहते हैं, हदीस पाक उसको कहते हैं कि जो नबी बोल रहे हैं, नबी कह रहे हैं, वो हदीस पाक है। नबी की जुबान से जो बात निकले, जो हुक्म हो, वो हदीस पाक है। और परवरदिगार आलम अपने नबी से डायरेक्ट बात करे और नबी उसको अपनी उम्मत में कहे, तो हदीस कुदसी है। कुरान खुदा का कलाम है जो जिब्राइल के जरिए आया, हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह ने कुरान भेजा, वो अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ने अपना कलाम नबी से खुद किया, वो हदीस कुदसी है। वो हदीस कुदसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाते हैं, लौला कलमा खलकतुल अखलाक, परवरदिगार आलम ने साफ फरमाया, नबी फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने साफ फरमाया कि आए लोगो, हमको अगर आसमान को, जमीन को, सूरज को, चांद को, शजर को, हजर को, बालोभर को, खुशकोतर को और शजर हजर को अगर पैदा करना, अपने नबी को पैदा करना मकसूद न होता तो हम किसी चीज को पैदा न करते। जितनी चीजें हमें मिली हैं उसी नबी के सदका में मिली है। जितनी चीजें हमें अल्लाह ने अता फरमाई है उसी नबी के सदके में हमें अल्लाह ने दिया है। इसलिए कि अल्लाह खुद कह रहा है, नबी पाक फरमाते हैं कि अगर हमें अपने महबूब को भेजना मकसूद ना होता तो हम दुनिया के किसी चीज को पैदा नहीं करते, दुनिया भी पैदा नहीं करते। और नबी आए, इंसान की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए आपका तशरीफ लाए। दुसंबा के दिन सुबह की महफिल हो, मैं इस दुनिया में भेजकर हम मोमिनों को परेशान किया, एहसान जताया है। दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है कि हमें ऐसी महफिलों में बैठने का मौका मिले, इन उलमा के चेहरे का दीदार का मौका मिले। एक वाकया सुनाओ, दस आदमी आ जाएंगे नहीं आएंगे, उसका एक शोहर है, रात में दोनों अपने अपने बिस्तरे पे सो रहे हैं, एक बेड इधर लगा है, एक बेड इधर लगा है, दोनों सो रहे हैं। लेकिन औरत बेड पर तो है लेकिन सो नहीं रही है, रात भर अल्लाह के जिक्र में रह रही है, अल्लाह की याद कर रही है और अल्लाह के खौफ में नवासिल पर पढ़ करके बार बार अपने रब के बारगाह में हाथों को दुआ के लिए उठा रही है। ऐ बारे लहा, हमसे जो गुनाह हो गए हैं, बारे लहा जो तुम मुझसे मोहब्बत करता है, गौर कीजिएगा, लफ्ज़ पढ़ने तो बात समझ में नहीं आएगी, जो तुम मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। फिर अल्लाह के जिक्र में लगती है, फिर दुआ कर रही है, ऐ बारे लहा तू करीम है, तू रहीम है, अपने रहीमी और करीमी से
ہمارے گناہوں کو اپنے اس محبت کے صدقے میں جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے معاف کر دے. وہ شاور بغل میں سنتا رہا, رات بھر سنتا رہا, سوا ہے کیا کر رہا ہے, سو رہا ہے اور سن رہا ہے. صبح میں اٹھا تو کہا کہ میری شری کی حیات ایک سوال کا جواب دو. اس نے کہا کہ پوچھئے. کہا کہ یہ تم بتا کہ تم کو کیسے یہ پتا کہ اللہ تم سے خوش ہے, تم کو یہ کیسے پتا کہ اللہ تم سے راضی ہے, تمہیں یہ کیسے پتا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے, کہ تو کہتی ہے کہ اللہ اے میرے رب جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, تمہیں کیسے پتا کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو عورت نے جواب دیا, اے میرے سرتاج مجھے اس بات پر یقین ہے, بھروسہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس لیے میں اس محبت کے صدقے میں اپنے گناہوں کے معافی کے طلبگار ہوں, اور اس لیے کہ تم یہی بغل میں رات بھر سوتا ہے, کراتے کی نیند لیتا ہے, پلک پھیلائے رہتا ہے, لیکن تمہیں توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی یاد میں تم رو اور اللہ کی عبادت کرو, تو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے اسی سے اللہ اپنی عبادت کراتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی سے اللہ اپنی عبادت کراتا ہے, اپنے گھر میں بلاتا ہے, نبی کے در پہ بلاتا ہے, ذکر رسول میں بلاتا ہے. تو دوستو کہنا یہ ہے کہ جو ذکر رسول میں آ جائے, نبی پاک کی محفل میں آ جائے, میلاد پاک کی محفل میں آ جائے, سمجھیے کہ رب کا فضل ہے اور رب خوش ہے کہ ہمیں بلا لیا. بے شک بے شک. نہیں تو گاؤں میں یہ لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں.